सो फाइनली हमारी मेहनत की कमाई की एक और गाड़ी ऐड हो चुकी है अपने फैमिली में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका भाई बहुत दिन बाद ये कैमरा हाथ में पकड़ के आया है बोलने कुछ। वैसे तो ये सारी प्लानिंग बहुत पहले की थी, 8 तारीख के पहले की थी, लेकिन माहौल ऐसे हुए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई आज के वीडियो में जो आप देखोगे। और मैंने ये सोचा था कि यार, जो भैया के लिए मैंने गाड़ी उठाई थी R15M, उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर ये मुझे दूसरी गाड़ी उठानी थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरी तबीयत हो गई बहुत ख़राब, और ऐसी ख़राब हुई कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मतलब जीवन में पहली बार मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होऊंगा। इस 28 साल का हो रहा हूँ मैं, और इस पूरी उम्र में पहली बार मैं हॉस्पिटल के बेड में था, एडमिट था, क्योंकि भाई साहब एक छोटा सा मच्छर जो था ना, डेंगू, मतलब रिपोर्ट में तो यही आया कि भाई मुझे डेंगू हो गया था। तो फाइनली वहाँ रिकवर करने में मुझे 5 से 6 दिन लगे, 3 दिन घर पे और करीब 4 दिन हॉस्पिटल में। मतलब 4 दिन 7 दिन फीवर 100 के नीचे गया ही नहीं था, 104-105 पहुँच जा रहा था रात रात में, ऐसा फीवर आ रहा था। लेकिन फाइनली 2 दिन हो चुके हैं, मैं हॉस्पिटल से घर आ चुका हूँ। प्लेटलेट थोड़ी डाउन है, दोबारा मैंने अभी चेक नहीं कराई है, वैसे चेक कराऊंगा, कल चेक करा लूँगा कि वापस से प्लेटलेट्स कितनी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो छूटे हुए थे, तो मैंने सोचा आज वो कवर कर लेते हैं। तो फाइनली मैं आया हूँ यहाँ TVS के शोरूम, और ये शोरूम आने का रीज़न ये घर के पास भी है, और फाइनली मतलब पूरे लखनऊ में ऐसा कोई शायद ही शोरूम बचा हो जिस पे आज मैंने विज़िट ना करा हो। विज़िट क्यों करा, क्योंकि एक गाड़ी आई है, छोटी सी गाड़ी है, अभी आपको दिखाऊँगा, लेकिन भाई साहब ये गाड़ी मिल ही नहीं रही यार। ये सब गाड़ियाँ, मतलब गाड़ी लॉन्च कर दे रहे हो तो गाड़ी का स्टॉक तो परमानेंट रखना चाहिए ना आपको कम से कम। मुझे लेनी थी यार अपाचे RR 310, वो नहीं मिल रही थी, मैंने आपको बताया पहले भैया के लिए मैं वही प्लान कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं मिली और उस पर वेटिंग थी 60 दिन की, उसके बाद मैंने R15M परचेज कर ली। अब मुझे एक और गाड़ी चाहिए, तो फाइनली पूरे लखनऊ में खोजने के बाद, वो तो दिवाली के बाद ही कह रहे थे, लेकिन इस शोरूम पे मुझे ये फाइनली मिल गई। कलर वैसे दिल का, मतलब मुझे जो पसंद था कलर वो तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन मिल गई गाड़ी। तो फाइनली आज ये गाड़ी और उठा लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पिताजी के पास एक स्प्लेंडर है, बचपन से उन्होंने हमारे सपने पूरे करने के चक्कर में अपने सपनों को किनारे रखा हुआ है, और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वो कभी करते ही नहीं है। मतलब इतना कर दिया लखनऊ में, दो दो घर बना के दे दिए हम बच्चों को, लेकिन अपने लिए कभी कह ही नहीं सकते कि उन्होंने कुछ सोचा हो, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हो। हालांकि वो जी सकते हैं, चाहे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा एक छोटी सी गाड़ी उन्हें भेंट करते हैं, शायद थोड़ा सा खुश होंगे वो। वैसे खुश क्या कहेंगे, पैसा फूका है, बिना मतलब पैसा फूका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि बचपन से हमारी सारी ज़रूरतें उन्होंने पूरी की, तो एक छोटी सी ज़रूरत उनकी मैं खुद भी पूरी कर सकता हूँ। तो एक गाड़ी आज यहाँ से निकालेंगे, और डेली कम्यूटिंग के लिए, जिससे वो जा सकें कहीं भी, उनके लिए एक गाड़ी चाहिए। और मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि एक गाड़ी उनके लिए, एक गाड़ी भैया के लिए लेनी है तो लेनी है। तो फाइनली पैसा यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है, देख रहा हूँ ये एकदम गड्डियाँ एकदम तैयार हो चुकी हैं, और जाके बस पैसा देना है और गाड़ी उठा लेनी है। तो अब चलते हैं सीधे अंदर। ₹150 देगा ये कचरा सेट नहीं है, ये परफेक्ट नहीं गिन पा रहा है, ₹150 देगा ये इधर इसे गिनने में लगा हुआ है, ये ज्यादा मोटी हो गई ना गड्डी तो गिन नहीं पा रहा है। इस हेलमेट में ये कितना चूतिया लग रहा है भाई, और ऋषि इस हेलमेट में कितना चूतिया लग रहा है। हाँ ये बात तो है, अखंड चूतिया लग रहा है भाई, निकाल के आ रहे हैं बताने के लिए इधर। तो फाइनली ये गाड़ी खरीद ली गई है, सबसे पहले हमने कौन सी गाड़ी थी, रेडर। अब हमारे पिताजी बनेंगे राइडर।
सो फाइनली हमने गाड़ी निकाल ली है और अब हम जा रहे हैं घर फिर से अपने पिताजी को सरप्राइज देने। मतलब मुझे तो सरप्राइजेस देने की आदत पड़ गई और मैंने आप लोग से कहा ही था कि सरप्राइजेस की आदत अब डाल लो क्योंकि आपका भाई जो है वो सरप्राइजेस देता रहेगा। सो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक बहुत बड़ी सी ख्वाहिश जो कि सुपर बाइक की है वो पूरी करने से पहले अपने फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे बचपन से हमेशा सपोर्ट किया जैसे मेरे पिताजी मेरे भाई, इन लोग के लिए छोटी छोटी जो ख्वाहिशें इन लोग की ये जो मैं पूरी कर सकता हूँ कम से कम वो तो पूरी कर ही देता हूँ। सो भैया की एक ख्वाहिश थी बाइक जो मुझे पता था कि ज़रूरी है वो मैंने कंप्लीट की और एक ख्वाहिश और थी उनके आईफोन के लिए तो उनके लिए आईफोन भी आ चुका है अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और एक और ये ख्वाहिश थी जो बाइक की तो भाई साहब अब ये पिताजी के लिए भी एक बाइक हो गई। अब ये जाके पिताजी को देंगे और पुरानी बाइक से करेंगे टाटा बाय, मतलब उनकी जो पुरानी बाइक है स्प्लेंडर उसको करेंगे टाटा बाय और अब से वो चलेंगे रेडर से तो भकाल होना चाहिए। बाकी अपनी इच्छाएं क्या है यार, अपनी इच्छाएं तो अनंत हैं वो तो पूरी होंगी होंगी कभी ना कभी। तो उससे पहले जो हम ये जो खुशियां हैं ना छोटी छोटी, ये जो फैमिली मेंबर्स को खुश करने की खुशियां हैं, ये जो पिताजी को खुश करने की खुशियां हैं, ये अपनी खुशी से ज़्यादा बढ़ के है। तो अब चल रहे हैं सीधे घर और ऋषि आ रहा है पीछे गाड़ी लेके, मैं कार से गया था तो कार ले जा रहा हूँ। अभी तक बाइक चलाई नहीं मैंने, कैसी चल रही है? ऋषि तो कह रहा है बहुत बढ़िया चल रही है, बाकी जब मैं चलाऊँगा तभी पता चलेगा भाई कि कैसी चल रही है। तो फटाफट अब चलते हैं घर। काम सिद्ध किए जा चलाया होगा तो गियर हल्का सा मतलब टाइट लगा बट सही है। थैंक यू सूरज भाई, ये गाड़ी आज हमको तुमने प्रोवाइड कर दी। हमारी उम्मीद हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप हमको जो है ये गाड़ी अचानक ला करके सौंप देंगे और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम तो अभी समय बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजर रहे थे फाइनेंशियल और तुम अभी बुखार से उभरे नहीं हो कि तुमने ये गाड़ी हमारे सामने ला करके खड़ी कर दी। इससे बड़ी और क्या हो सकती है उपाधि हमारे लिए कि हम इनके लिए क्या हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा राइडिंग कर लें पहले फिर बात करेंगे। बाय बाय। फिर से नहीं भाई, करना क्या चाहते हैं आप? जैसे दुकान खोलनी है, शोरूम बनाना घर पे। इतनी जल्दी उठे थे, तबियत सही तुरंत नहीं भाई, पहले ही लाना था यार, वो तो बीच में लेट गए कुछ दिन के लिए। तो फाइनली एक और बाइक अपने कलेक्शन में ऐड हो चुकी है और ये आ चुकी है TVS रेडर हमारी फैमिली में और पिताजी तो काफी ज्यादा खुश हो गए, मजा आ गया एकदम उनको। और अभी मैं इस बाइक को चलाने का मजा ले रहा हूँ रात में, ऐसा मतलब ऐसे 10 बजे के बाद, मतलब अभी मैंने इसको राइड की, इससे पहले मैंने इसको राइड भी नहीं की थी क्योंकि हम कार से गए थे तो इसको ऋषि ने घर पहुँचाया तो मैंने चलाई भी नहीं। उसके बाद पापा लेके निकल गए चलाने, थोड़ा बहुत चला के आए, उसके बाद घर पे खड़ी थी, फिर मैं चला गया ऋषि को छोड़ने और फिर लग गया टाइम। सो अभी मैंने सोचा लाओ एक बार चला के तो देख लिया जाए कम से कम कि गाड़ी चलने में कैसी है, क्या मज़ेदार चल रही है या नहीं चल रही है। तो फिलहाल जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी ही चल रही है, बढ़िया भाग रही है, 5 गियर हैं, 125 सीसी की गाड़ी है। बाकी डिस्प्ले वगैरह बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि मीटर फोन वाला है एकदम, तो कलरफुल डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाड़ी का एक लुक भी देते हैं आपको कि गाड़ी बाहर से दिखने में कैसी है। सो गाड़ी कुछ ऐसा दिख रही है, फ्रंट लाइट बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मतलब अलग एकदम यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और साइड से ये देखिए,
पहले ब्लू कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था मजबूरी में ब्लू कलर लेना पड़ रहा है क्योंकि और कोई कलर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। पूरा लखनऊ छान मारा था हमें और ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं थी, लेकिन फाइनली अब ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है दूर से दिखने में, मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है अब। सो फाइनली हमारी मेहनत की कमाई की एक और गाड़ी ऐड हो चुकी है अपने फैमिली में। बिल्कुल अगला गिफ्ट हम अपन पिल्लो को देंगे, एक गाड़ी इनको भी गिफ्ट करेंगे। हमने हीरो पुक देखी अच्छी, सेकंड हैंड एक बिक रही थी तो हमने सोचा यार दे देते हैं, ये हैवी ड्यूटी वाले आदमी बढ़िया सामान डिलीवरी किया करेंगे। हमें लगा 10 रुपए वाली बताओगे। नहीं यार हीरो पुक देंगे तुम्हें कम से कम यार, बढ़िया ऐसे थोड़ी होता है यार, समझ रहे हो। और मस्त दो स्प्लिट सीट मिली हुई हमें, यहाँ बैठो। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सरप्राइजेज और वीडियोस मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।